टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोरापुरिया इन दिनों टोंक के गांवों के दौरे पर हैं। सांसद उप यात्रा के तहत वो लोगों से मिल रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और वसुंधरा की राजस्थान गौरव यात्रा से पहले सांसद उप यात्रा में सरकार की योजनाओं को जनता को गिना रहे हैं। इस दौरान सांसद के साथ जिलाध्यक्ष गणेश माहूर, सभापति लक्ष्मी जैन सहित बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मौजूद रहते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं। साथ ही साथ सांसद जहां एक और सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको जनता को गिनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह आज़ादी के बाद जो है अभूतपूर्व विकास केंद्र की बीजेपी सरकार और राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने किया है। उसके बाद राजस्थान गौरव यात्रा जो टोंक में पहुंच रही है वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उसके लिए जो है वो पीले चावल देकर जो है जनता को जो है कहते हैं कि आप आइए, वसुंधरा जी का जोरदार स्वागत कीजिए और इस यात्रा को जो है अभूतपूर्व स्वागत के तौर पर जो है कामयाब बनाइए। सारी ऊर्जा वाले बता दिया और आज मैं कहूं कि टोंक जिले को एक संगठन में बहुत बड़ी मजबूती, संगठन को साथ लेकर चलना और टोंक के पूर्व के सभापति रहे ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष भाई गणेश जी माहौल साहब मंच पे विराजमान हमारी सभापति महोदय, चारों महामंत्री भाई विष्णु जी, हेमंत जी लांबा साहब हमारे बहुत ही, मैं कहूँ हम सबसे छोटे बच्चे के रूप में हैं लेकिन काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे हमारे जितेंद्र जी शेखावत जो टोंक के बूथ बूथ तक पहुंच रहे हैं और सम्मानित मंच। और आज जिस कार्यक्रम की शुरुआत, जिस पंचायत की शुरुआत आज हमने की है, ऐसी पंचायत की जो नेतृत्व कर रही हमारी बहन साधना कंवर जी जो सरपंच सोनवा है, हमारे जो भाई रामस्वरूप जी सैनी जिनको कोई शब्द कहें कि नजर कहें कि जैसे कहें, ऐसे हमारे रामस्वरूप जी जो जिलाध्यक्ष पशुपालन प्रकोष्ठ, रघुवीर सिंह जी सोलंकी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ, बहुत थी कि जब भी पाकिस्तान का कोई जिक्र आता था तो अमेरिका का कोई भी देश का आदमी हमारे यहाँ को मंत्री कुछ बोल के जाता था और उसके बाद में जब पाकिस्तान जाता था वहाँ कुछ और भाषा बोलता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत है, उन्होंने एक बात की, या तो पाकिस्तान को अपनी गोदी में बैठाए अमरीका या हमारी गोदी में बैठे, एक तरफ फैसला करे। और आज हम ये कह सकते हैं आ गई, तो आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को एक तरफ अलग थलग खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया, आज वो बात नहीं है। अमेरिका से साफ शब्दों में कह दिया कि एक राह पे चलना पड़ेगा, या तो भारत के साथ मित्रता कर या पाकिस्तान के साथ मित्रता कर, और पाकिस्तान का ये हालत कर दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जो हम सहायता इसको देते हैं, जो पैसा देते हैं, ये वाकई आतंकवादी देश है और उसकी सारी सहायता बंद करा दी। आज इतना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, साथियों आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ। साथियों मैं ये भी कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य था जिन्हें हम सांसद सुन के गए थे और पहली मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक बात साफ शब्दों में कहा था कि सारे सांसद एक बात सुन लें, ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए काम करेगी, कोई इससे ज्यादा बड़ी उम्मीद मत। अगर मैं पूर्व की बात करूं, 10 साल इस कांग्रेस ने दोनों हाथों से देश पर लूटा था और जिस हिसाब से हम देखें, चाहे वो जमीन का घोटाले की बात हो, चाहे पाताल में कोयला की बात हो, चाहे हेलीकॉप्टर की बात हो, चाहे टूल की स्कैम की बात हो, हमेशा ये होता था कि लाखों करोड़ के टेंडर होते थे और हजार करोड़ की रिश्वत जाती थी। आज देश के प्रधानमंत्री ये सिद्ध कर दिया कि एक भी आदमी, एक भी विपक्ष का कोई नेता और तो कुछ नहीं कर पाते, कोई नारा नहीं दिया जाता, कोई अपेक्षा नहीं किया जाता, कभी भी उन पर एक हिम्मत नहीं पड़ी कि देश का प्रधान होने का अपमान दे, हम सोनवा की पवित्र शक्ति पर उपस्थित है। हम चाहते हैं कि सांसद साहब यहाँ विकास के लिए अपना पिटारा आज खोलेंगे, तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। 4.5 साल लोकसभा को हो गए, 5.5 साल विधानसभा को हो गए, आज हम ये बात कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस साहब का नारा दिया था, उस नारे में जो कार्य करके आप लोगों को घोषणा की थी, उन सबको पूर्ण करकर, करीब 90% कार्यों को पूर्ण करकर आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान गौरव यात्रा लेकर निकल रही है। मैं समझता हूँ जिस साहब की अपार भीड़ उनके साथ जुड़ रही है और जो लोगों में उत्साह जोश देखा जा रहा है, उसमें कोई दूर नहीं बात
कि आज कांग्रेस के पास कोई ना नेता है का नियत है ना कोई काम, सिर्फ और सिर्फ जब कोई कुछ नहीं मिल पाता तो जो काम हम कर रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे लग के हमारी होड़ की जा रही है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नेता भी है, नियत भी है, काम भी है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में आज जो पौने पांच साल काम हुए हैं वो आज तक शायद कभी इतिहास में पहले नहीं हुए। उन कामों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हमारे गांव गांव ढाणी ढाणी जा रही है। जहां जहां हम नहीं पहुंच सकते माननीय मुख्यमंत्री वहां पर हम सबको आदेश दिया है। साथियों मैं ये बात भी कहूं, आप लोगों ने सबने मुझे सांसद चुनकर उस लोकसभा में भेजा जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। साथियों हम सब भली भांति जानते हैं कि देश आजादी के बाद से आज तक कभी कोई देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जिस देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की ताकत का बाद में जाकर ये जज्बा दिखाया हो। कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति या चाइना का